मान लीजिए आज कौन सा दिन है, थर्सडे। मंडे वाले जो सर आपको पढ़ाने आते हैं वो थर्सडे वाले सब्जेक्ट पीरियड में आ जाए तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे अरे टीचर कहां से आ गए, सर आप कहां से आ जाए, और आपको उनके सब्जेक्ट की बुक भी नहीं है। तो आपके स्कूल में टाइम टेबल बना हुआ है ना, लेकिन हमारी लाइफ में वो टाइम टेबल नहीं बना हुआ है। हम कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते, इससे बहुत सारे काम होते ही नहीं है। छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं, ये क्या है, कॉफी। इसका वेट कितना होगा अंदाजन, 600 ग्राम। चलो मान लेते 600। ऐसा लग रहा है उन्होंने बनाई है, इन्होंने बनाई है। ओके, 600 ग्राम की कॉफी। अगर मैं इस पोजीशन में दोस्तों लेके खड़ा हूँ, कुछ होगा? मान लो मैं इसी कॉफी को इसी पोजीशन लेके खड़ा हूँ अगले 10 मिनट, कुछ होगा? मान लो कि अगर मैं इसको इसी कॉपी को इसी पोजीशन लेके खड़ा हूँ अगले 5 घंटे, कुछ होगा? मान लो कि मैं इसी कॉपी को इसी पोजीशन लेके खड़ा हूँ अगले 12 घंटे, कुछ होगा? क्या होगा? मान लो कि अगर मैं इसी कॉपी को इसी पोजीशन लेके खड़ा हूँ अगले 24 घंटे, कुछ होगा? क्या होगा दोस्तों? मैंने जब आप शुरुआत में पूछा था, आप लोगों ने कुछ लोगों ने आंसर दिया कि इसका वेट कितना है, 600 ग्राम। क्या इसका वेट 6000 ग्राम हो गया या 60000 ग्राम हो गया? वेट बढ़ गया क्या इसका? हाथ में दर्द क्यों हो गया? ओके, कोई बात नहीं, अगर हाथ में दर्द हुआ भी है तो इससे मैं कैसे बच सकता हूँ? नीचे रख दो कॉपी, सिंपल तरीका है, आप कॉपी रख दो। दोस्तों हमारे सामने कोई भी काम आता है तो इतना सा होता है, हम क्या करते हैं उस काम करते ही। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारी काम आएंगे और वो काम जो आपने पहले छोड़ा था और बहुत बड़ा हो काम को उसी समय आप कर रहे हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, टीचर को करेगा 15 पॉइंट लिखे, और एक आप पैराग्राफ पढ़ दो, पैराग्राफ से ज्यादा अगर आप पॉइंट्स में डालोगे तो टीचर को करेगा 15 पॉइंट लिखे 15 पॉइंट्स में हर बार। एग्जाम्पल अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, वे टू सक्सेस। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या कर रहा है आपको, वे टू सक्सेस। तो आपके पेपर में, आपके आंसर में दोस्तों अगर कुछ हेडिंग्स है तो उसको आप हाईलाइट करो और कोशिश करो उसको अलग कलर हाईलाइट करो। आप ब्लू पेन से लिख लो, सब ब्लू पेन से, सब कुछ ब्लू पेन, ब्लू पेन, ब्लू पेन, ब्लू पेन, लेकिन अचानक से कोई ग्रीन चीज दिख जाती है। अब जैसे ये दीवार दिख रही है आपको, ये देखो ये फर्री छोटी सी है लेकिन नजर पड़ी, वो उसमें नजर पड़ी, इसमें नहीं पड़ी क्योंकि जल रहा है ये बंद है। तो ऐसे अट्रैक्ट कर लो टीचर को, आप ब्लू पेन के साथ जो अपने हेडिंग है उसको आप किसी और कलर से लिखो, ग्रीन कलर से लिखो, ब्लैक कलर से। आप जो आंसर्स लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लैंक शीट आती है हमारे पास इस तरीके से, और आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग करते हैं सीधी लाइन खींचे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर है। तो ये लाइन सीधी होनी चाहिए, कई लोग इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता उससे, और सीधी स्ट्रेट लाइन तो आप ही डिस, उससे आप दो एग्जाम तो बहुत अच्छे से देते हो, तीसरे दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए। आप खाना मत छोड़िए, खाइए अच्छी चीजें, ब्रेकफास्ट आप अच्छा करिए। एक और चीज, स्ट्रेस, टेंशन होती है, टेंशन टेंशन टेंशन। आपको पता है सबसे ज्यादा टेंशन हमें किस चीज की होती है, उन चीजों की जो जिंदगी में कभी होती नहीं है। अगर आपको किसी बात की चिंता हो रही है ना, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको लिख लेना, एक चिट में लिख लेना और आपके स्टडी टेबल के ड्रॉअर में रख लेना, 15 दिन बाद निकाल के देखना, आप देखोगे अरे इस बात की चिंता कर रहा था, ये तो हुई। चिंता किसके समान है, चिंता के समान है, उससे कुछ नहीं होना, आपको चिंता बना देगी, आप उस पर वर्क कर दिए आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, लेकिन उस पर काम करना पड़ता है। आप ऐसे कितने लोग खुश होना चाहते हैं अभी और इसी वक्त, अरे खुश कितने होना लोग होना चाहते हैं, दुखी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, सभी खुश होना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग खुश होना चाहते हैं अभी और इसी वक्त और हमेशा, तो आपकी नजर जहां जहां भी पड़े सबसे ज्यादा, फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं या आपकी क्लास में, तो आपकी नजर बार बार पड़ेगी इस ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन आपकी नजर ऊपर जो पंखा है उस पर नहीं पड़ेगी। जब मैंने बोला पंखा और मेरी नजर ऊपर गई तब सबने देखा, लेकिन आप याद करो कभी आपने पंखे में देखा सर्दियों में नहीं, सर्दियों में पंखा नहीं, गर्मियों में, लेकिन जब बटन दबाते हैं तब देखते हैं पंखा चला कि नहीं चला, तब नजर जाती जैसे बटन ऑन करते, लेकिन ब्लैक बोर्ड में नजर आती है। आपके घर में जो आपकी टीवी स्क्रीन है उस पर नजर आती जाती है, आपका
और अगर रोना है जहाँ भी नजर जाती है वहीं काम दुआ क्यों करें फ्रेंड्स? एटमॉस्फेयर हम खुद ही बनाते हैं। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, तब लोग मुस्कुराएंगे आपके साथ। अगर आप रोओगे तो कोई रोएगा नहीं आपके साथ, आपको लोग चुप रहेंगे और वही क्या होगा। लेकिन अगर आप हंसोगे, आप मुस्कुराओगे तो लोग आपके साथ हंसेंगे सब। लास्ट में सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, अगर जिंदगी में आपको सफलता चाहिए तो कितने लोगों को चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल एग्जामिनेशन के हो, चाहे स्कूल को पास करने के बाद जब आप कॉलेज में जाएं, कॉलेज के बाद अपना खुद का प्रोफेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको सफलता चाहिए तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना के फिनिश करता हूँ। एक लड़का जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था एंड ही वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, पांचवी कक्षा में था, उसके पापा दोस्तों मछलियां पकड़ते थे, कभी मछलियां मिल जाती तो खाने को मिल जाता था, कभी नहीं मिलती तो भूखे थे सोना। वो बच्चा जब पांचवी कक्षा में था तो एक बार टीचर ने ये क्या कुछ लगा, ये क्या पक्षी चिड़िया बर्ड, तो ऐसे मास्टर जी ने कुछ चिड़िया बनाई बोर्ड पे। उस बच्चे को समझ में नहीं आया सर, उसने बोला कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पूरी क्लास को बुलाया पांचवी क्लास को, ऐसा करना तुम लोग घर पर आना, मैंने कुछ चिड़िया पाली हुई है, मैं तुम्हें बताऊंगा चिड़िया क्या खाती है, कैसे खाती है, कितना पानी पीती है, कैसे उड़ती है। दोस्तों उस दिन पांचवी कक्षा के बच्चे ने सोचा कि मैं भी उड़ूंगा, उसको नहीं पता था कैसे उड़ा जाता है, लेकिन उसने सोचा कि मैं उड़ूंगा। उसने टेंथ पास करा, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करी, वो फेल हो गया, फिर कोशिश करी फिर फेल हो गया, फिर कोशिश करी फिर फेल हो गया। लेकिन सालों तक उसके दिमाग में एक चीज चलती रही कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना, साइड में कुछ काम करता गया। इधर हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज्यादा हो गई और एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उस चेयर को संभाल सके। और एक व्यक्ति सालों से साइड में काम कर रहा था, उनको बुलाया गया कि सर आप आइए और आप इस चेयर को संभालिए। वो कौन थे वो मैं आपको बताता हूँ जल्दी, उससे पहले अपन इस व्यक्ति और व्यक्ति कौन था। वो व्यक्ति दोस्तों वही था जो सालों से काम कर रहा था हिंदुस्तान के लिए, मछली जिसके पापा पाल नहीं पाली थी और वो बच्चा कभी भूखा भी सोता था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, देश के लिए कुछ कर रहा था, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश लगातार फेल हुए, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए और वो चेयर उनको दी गई और वो चेयर थी राष्ट्रपति की और व्यक्ति है एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम थे दोस्तों जिन्होंने सोचा था कि मोड़ूंगा, जिन्होंने सोचा था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करूंगा, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन गए कि तीनों आर्मी के मेजर्स यानी जल थल और वायु के मेजर्स ने भी उनको सैल्यूट करा जब राष्ट्रपति।